यो गाइस, तो शाम के 6 बज रहे और हम जा रहे हैं इस वक्त जंगल में, वो भी मंगल करने। मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली हम जा रहे हैं थोड़े से काम से। हमें लानी है वहाँ से मिट्टी रसोई के लिए। जो रसोई में फर्श होता है गांव में, मिट्टी का बना होता है, तो वो काफ़ी पुराना हो गया था, इसलिए हमने वो उखाड़ दिया। अब उस पर तो उस फर्श को फिर से बनाना है नई मिट्टी से, तो वो मिट्टी लाने जा रहे हैं जंगल से। साथ में अम्मा जा रही है, तो अम्मा को ही पता है कि वो कौन सी मिट्टी लगेगी। तो चलते हैं जंगल और देखते हैं मिट्टी कैसी रहती है। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बामी की मिट्टी। तो भाई पहुंच चुके हैं हम जंगल में, और अब ढूंढते हैं वो मिट्टी कहाँ। जैसे एक तो जंगल में दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे चील के पेड़ों की घास पड़ी होती है ना, जिसे हम चिलारा बोलते हैं, तो ये बहुत फिसलन वाली होती है, इसलिए थोड़ी साफ़ सफाई करते जाएंगे। आगे मेरी अम्मा है, अम्मा साफ़ सफाई कर रही है, ये देखो। तो सबसे पहले रास्ता बनाना पड़ेगा उस मिट्टी तक, जिसे मिट्टी को हम बामी बोलते हैं, बामी की मिट्टी। वो मिट्टी स्पेशली मतलब इसी के लिए होती है, खास मिट्टी होती है थोड़ी, मतलब चींटियों ने बनाई होती है वो। काफ़ी ऐसा कि एक तरह मिट्टी का केला बना देती है चिड़िया, अबे चिड़िया नहीं यार, चींटियाँ, आंट। और भाई अभी खिसकने वाला था, बच गया। लो लो भाई, लगता है किसी की नज़र लगी, सच में गिर गया अभी, पर अच्छा हुआ ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, वरना यहाँ से खिसक के नीचे जाता। एक बार खिसक गए तो काम तमाम, रुकने वाले नहीं हो फिर, तुम्हारे पास कोई ब्रेक्स नहीं है, नॉन स्टॉप, तब तक जब तक तुम चील के पेड़ से टकरा नहीं गए। भाई संभल संभल के चलना पड़ेगा, संभल संभल के, संभल संभल के। ओ भाई एकदम से स्पीड बन गई। बड़े बड़े पेड़ चील के आप देख सकते हैं, और सारा ब्राउन ब्राउन इसके पत्तियां हैं, जिसे हम चिलारा बोलते हैं, जो कि सूख चुकी है और ये बहुत खिसकने वाली होती है। इसमें ना इससे ना बहुत खिसकते हैं पैर जब चलते हैं, इसलिए ध्यान से चलना पड़ता है इस पर। मिली क्या? मिल चुकी है गाइस हमें वो मिट्टी, उसको थोड़ा सा कुदाली से उखाड़ते हैं और बोरी में भर के ले जाते हैं घर। तो ये देखो गाइस, ये है हिमाचल के जंगल, और सामने देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, घर और आसमान, आय हाय हाय। यूँ ही हिमाचल को जन्नत नहीं कहते, हम बहुत किस्मत वाले यार, मतलब हम यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो मिट्टी तो होती है, लेकिन इसको निकालना तो आसान है, लेकिन एक बात का खतरा होता है कि इनमें सांप होते हैं। एक्चुअली इनमें होता क्या कि छेद होते हैं बीच में, तो इनमें सांप रहते हैं ज़्यादातर। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें मिले ना सांप। ओम नमः शिवाय। ये देखो इसमें सुराख है, तो गाइस वो मिट्टी भर ली हमने, और अम्मा वहाँ पे थोड़ा घास काट रहे हैं। तो 6:15 हो रहे हैं, 15-20 मिनट में हमारा काम हो चुका है। और रही बात जानवरों की, जंगल में आए हैं तो जानवर मिलेंगे, बट दिन में जानवर नहीं मिलते, वो शाम के टाइम ही आते हैं या फिर रात के टाइम ही बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए। तो जानवर तो हमें आज नहीं मिलेंगे देखने के लिए। ऐसे व्यू के लिए लोग ना दूर दूर से पहाड़ों पर आते हैं। खुशकिस्मती समझो, देखो हम पहाड़ों पर ही रहते हैं, हम कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, किस्मत अच्छी नहीं है। भाई सबसे किस्मत अच्छी किस्मत हमारी है, हम पहाड़ों में रहते हैं। तो भाई ये रही 2 बोरियाँ मिट्टी की, जो मैंने वहाँ नीचे से लाई है, काफ़ी नीचे से, और थक गया इनको लाते लाते, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, पूरे रास्ते में चिलारा गिरा हुआ है। 2 या 3 बार संभला हूँ गिरते गिरते, नहीं तो एक बार अगर गिर जाता ना तो नीचे से उठ के आता जहाँ से मैंने लाई थी। तो भाई घर पहुँच चुकी हैं, बोरी रखती हैं, अब अभी चलते हैं अम्मा के पास, उनके पास भी काफ़ी सामान है, घास भी है, बोरी भी है, उनसे आधा सामान लेके आते हैं। और फिर एक और काम है हमें जाना है, उसको आगे बताता हूँ। भाई वो देखो सूरज देवता भी छिपने वाले हैं, कैसे छोटी सी जगह से निकले हुए हैं, पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं अभी, और छोटी सी जगह से निकले हुए हैं सूरज देवता भी, कितने प्यारे लग रहे हैं। सामने एक पेड़ भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के ऊपर बल्लभ चमक रहा हो।
परफेक्ट एंगल। तो अम्मा ने भी पहुंचा दिया है, आधा सामान दे दो हमको भैया। तो भाई आधा सामान तो ले लिया अम्मा से, अम्मा वैसे पहुंच ही गई थी घर, लेकिन हम भी आ गए तो भले थोड़ा सा है लेकिन सुविधा तो होगी अम्मा को। अब इसको भी रखते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं एक और जगह। तो दूसरी बोरी भी रख दी यहाँ पे। और दूसरा काम क्या है कि अभी हमें जाना है छोटे दादा को लाने के लिए। एक्चुअली मेरे दादा के छोटे भाई वो काम पे गए हैं तो उनकी बस छूट चुकी है, तो उनको लेने जाना है। तो सांस फूल गई, तो चलते हैं, हेलमेट लेते हैं, बाइक की चाबी लेते हैं और फिर चलते हैं। हेलमेट ज़रूरी है क्योंकि यार शाम का टाइम है तो आँखों से पानी निकलता है बहुत, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है तो पानी निकलता है आँखों से बहुत। तो हेलमेट ज़रूरी है इस वक्त। और जहाँ रास्ते में जा रहे हैं तो व्यू भी आपको कमाल कमाल के दिखने मिलेंगे, दिखाते हैं आपको साथ में व्यू भी बहुत अच्छे अच्छे। चलो आ जाओ। वो रही गाइस हमारी बाइक और व्यू देखो, ये देखो व्यू भाई साहब। तो ये एक और व्यू है हमारी बाइक और व्यू देखो, हाय 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 हाय। लोग मरते हैं पहाड़ों पे आने के लिए और हम यहीं पे रहते हैं, बट नीचे देखो गाइस कितनी बड़ी खाई है, वहाँ पे खेत है, लोग वहाँ पे सोचो मतलब कैसे रहते हैं लोग यहाँ पे। भाई 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 एक तो हवा का यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई, कुछ भी कह लेना इन पहाड़ों को देखने एक सुकून मिलता है, और जो सुकून है ना उसकी कोई कीमत नहीं है भाई। लेकिन देख के मज़ा आ गया इस व्यू को। देखो रास्ते वहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, देखो इतना मतलब रास्ता भी इतना बढ़िया है ना पहाड़ों पे बनाया हुआ, मज़ा आ जाता है। तो भाई चलते हैं और इस व्यू को करते हैं बाय बाय, फिर आएंगे दोबारा तुम्हें देखने के लिए। तो भाई जाके आ गए हम। आई होप आपको व्यू जो रास्ते के व्यू थे आपको अच्छे लगे हो, अच्छे लगे तो भाई एक लाइक तो बनता है। जनाब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बैठा हूँ भाई। दादा के चले हमेशा की तरह न्यूज़। यस और थोड़ी देर हम भी सुनते हैं। सस्ता और हो गया पेट्रोल, सस्ता हो गया। क्या सस्ता हो गया? डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया। वाह वाह तब तो नाचना पड़ेगा ना, सस्ता हो गया है मनाली, हमें भी ले चलो। सस्ता हो गया पेट्रोल ना, मैं भी घूम, मैं भी कहना घर में बैठ बैठ के बोर हो गया, मनाली घूम के आई हम। दादा मजाक कर रहे हैं, सच में मत लेना सीरियसली, मनाली जा रहे हैं। नहीं भाई गाइस ध्यान से देखिए इस लड़के को, ये मेरा चचेरा भाई है और इतनी बदतमीजी से बात करता है ना मेरे से। क्या अगर इसको सुनोगे ना तो आप बोलोगे कि क्या है ये। बाय द वे इसके मैं कारनामे बताता हूँ, इतना खाने पीने के लिए जो फास्ट फूड के लिए इतना भागता है ना ये पागलों की तरह। ये देखो ये मेरी दवाई है माइग्रेन की, इसमें से दो गोली तो मैंने खाई है और एक गायब है। ये इसने टॉफ़ी समझ के खा ली भाई, इतना भी मतलब मतलब मैं क्या बोलूँ इसको यार, मतलब इसको इसकी जीभ इतनी लपलपाती है, इसने मेरी दवाई टॉफ़ी समझ के खा ली भाई। मतलब इसको ना टॉफ़ी और दवाई में फ़र्क पता नहीं चल रहा भाई। मिस्टर आपने मेरी दवाई टॉफ़ी समझ के खा ली, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? झूठ बोल रहा है, बोल ना। जब चोरी पकड़ी गई तो अवसर मार रहा है बोलने को। चलो भाई जो मैं भी खाता हूँ यार गोली, टाइम हो चुका है इसका खाने का, खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई अम्मा का चला है डिनर टाइम, और ये देख लो हिमाचल के गांव के एक घर की रसोई कुछ इस प्रकार से। और देखो यहाँ के जो फ्लोर है मतलब जो फर्श है वो सारा मिट्टी का है, फिलहाल तो उखड़ा रखा है सारी मिट्टी जो थी पहले की। तो ये मिट्टी है वो जो हम लाए थे, इसको पानी में भिगा रखा है फिलहाल, सुबह तक ये थोड़ी चिकनी हो जाएगी तो सुबह इस पर लिपाई कर देंगे। तो फिलहाल डिनर करते हैं और खाते हैं, आज डिनर में क्या है देखते हैं। तो ये रहा हमारी थाली, मलका मसर दाल है, चावल है और अचार है। तो खाते हैं फिर सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नए सुबह में एक और देखो इसे डर के मारे दरवाज़ा बंद कर दिया इसने। दूसरा दिन हो चुका है और अभी जस्ट उठा हूँ। आज पता नहीं कौन सी टीम आई थी इंस्पेक्शन वाली, आजकल हिमाचल में या पता नहीं ऑल ओवर इंडिया या सिर्फ हिमाचल में कोई नई बीमारी फैल रही है आँखों की। अब उस भाई ने नाम बताया था लेकिन मुझको याद नहीं रहा क्या नाम था उस चीज़ का। तो मेरी मेमोरी ना बहुत कमज़ोर होती जा रही है डे बाई डे। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद वो लिप लिपाई वाला काम भी है रसोई का, उसको करेंगे पहले ब्रेकफास्ट।
तो रसोई की हालत ठीक नहीं है, इसलिए अम्मा मेरे कमरे में ही खाना दे गई। दूध है, फुलका है यानी रोटी है, और आलू और शिमले मिर्च की सब्जी है। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं काम स्टार्ट हो चुके हैं। फिलहाल मिक्स किया जा रहा है सब कुछ इसका मटेरियल। इसमें जो हमने कल लाई थी मिट्टी है, गोबर है, लकड़ी की राख है, और क्या है अम्मा? रेत। हाँ रेत भी है इसमें, ताकि ये ज़्यादा दिन तक टिकी रह सके। बाकी ये रहा फर्श जो अभी पूरा उखड़ा पड़ा है, तो यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइस ऑलमोस्ट हो ही गए, आधे से ज़्यादा हो चुका है, और बाकी मैंने पिछले कल की वीडियो शेड्यूल पे लगा दी है, 12 बजे आ जाएगी, देख ही ली होगी आपने इससे पहले। कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, मतलब कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, मतलब कहाँ पर ज़रूरत है मतलब ठीक करने की, तो बता दिया करो, आपका अपना भाई हूँ यार। तो गाइस सारा फर्श का काम हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम पूरा बढ़िया, एक मिट्टी के साथ था, अभी थोड़ा गीला है, कहीं कहीं से सूख गया, और यहाँ पर बन रही है चाय। चाय पीते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, भूख लगी है, और उसके बाद देखते हैं। चाय में नमक, नमक चपाती में। तो यहाँ पे हम फुलके हैं, फुलके के ऊपर घी है, नमक का है, नमक यहाँ पे गीला है यार, एक तो पैर ठीक से रखना पड़ेगा। यहाँ पे आ गए नमक, ज़्यादा गिर गया। ये तो भाई चाय है, दादा को देते हैं पहले, दादा है गोड के पास, दादा लगा है अपने काम में, चाय पी लो। नहीं दादा नहीं लेंगे इतनी जल्दी। ये देखो दादा ने कमरा बना रहे हैं यहाँ पे सोने के लिए, दादा बिना बिना काम के रह नहीं सकते। चलो बढ़िया, मैं भी जाता हूँ घर और खाना खाता हूँ अपना, जो दो फुलके लिए मैंने दिखी के साथ। तो भाई शाम के 6:30 हो रहे हैं, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया, तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हंसते रहो, हंसाते रहो, और ज़िंदगी के मज़े करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मज़े करो, बाय बाय।